फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं कोसी बैगेज घूमने के लिए और अभी मॉर्निंग का जो है कि 4:30 हो गया है और अभी हम लोग जो है कि आए हुए हैं घूमने के लिए। और मेरे साथ जो है कि आए हैं मेरे दोस्त और इधर जो है कि है निर्मल और इधर जो है कि गुलजार सभी है। तो चलिए आप लोगों को, तो अभी एक दोस्त को और कॉल किया है और दोस्त भी आने वाला है। तो अभी हम लोग जो है कि हैं कोसी के जो है कि ब्रिज पे, आप लोग देख ही सकते हैं बैकग्राउंड में। तो अभी हम लोग जो है कि निकलेंगे अभी यहाँ से कोसी मंडी पे, जो कि आज जो है कि सोमवारी है, इसीलिए यहाँ पे जो है कि हजारों के तादाद में भक्त लोग जो है कि आए हुए हैं। तो चलिए आप लोगों को उसका भी व्यू दिखाते हैं आप सभी लोगों को और मंदिर को जो है कि चारों साइड का व्यू दिखाते हैं, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए अभी दिखाते हैं आप सभी लोगों को सबसे पहले ब्रिज का जो है कि छोटा सा व्यू, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए दिखाते हैं आप सभी लोगों को पूरा फुल व्यू यहाँ का। तो फ्रेंड्स, यही है जो है कि कोसी ब्रिज और ये जो है कि इस साइड में जो है कि पानी है और अंधेरा के कारण जो है कि अभी नहीं दिख रहा है। तो चलिए आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं और अभी ले चलते हैं आप सभी लोगों को सबसे पहले ब्रिज के नीचे, क्योंकि ब्रिज के नीचे में जो है कि पब्लिक सब बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से और चलिए दिखाते हैं आप सभी लोगों को। तो फाइनली अभी हम लोग जो है कि ब्रिज के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे देख ही सकते हैं जो बहुत सारा जो है कि पब्लिक सब जो है कि 4 बजे से ही जल भरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो अभी और चलिए दिखाते हैं नज़दीक चल के। तो अभी जो है कि बहुत सारा पब्लिक है अभी यहाँ पे और फ्रेंड्स, तो सुबह तक जो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसीलिए पब्लिक सब जो है कि 4 बजे से जल चढ़ाना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे। तो इस साइड में जो है कि देख ही सकते हैं और अभी जो है कि पूरा जो है कि मौसम फ्रेश भी नहीं हुआ है और पानी का बहाव आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। तो अभी हम आप लोगों को ले चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं मंदिर का भी व्यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग भी जो है कि निकल गए मंदिर की तरफ और यहाँ पे देख ही सकते हैं कितने आदमी जो है कि जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चढ़ने के लिए जो है कि बोरा में जो है कि मट्टी भर के इस्तेमाल किया गया है। तो अभी चलिए नीचे चल के दिखा देते हैं आप लोगों को महादेव बाबा का भी दर्शन, इस ब्लॉक में मैं करवा दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। तो अभी तो ज़्यादा जो है कि फ्रेंड्स भीड़ भी नहीं है यहाँ पे और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चढ़ने उतरने में भी जो है कि परेशानी का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे पब्लिक सबको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि मेरा दोस्त लोग जो है कि खो चुका है, इसलिए हम जो है कि ऊपर में ही हैं अभी और यहाँ पे दोस्त लोग को खोजने के बाद फिर हम निकलेंगे। तो फाइनली जो है कि मेरा दोस्त लोग सब भी जो है कि आ चुका है और अभी हम जाएंगे नीचे सबसे पहले। तो चलिए अभी नीचे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है जो है कि मंदिर यहाँ का भोलेनाथ का और इस साइड में जो है कि माता पार्वती का मंदिर है और उस साइड में सामने जो है कि कोसी मैया का जो है कि मंदिर है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और चारों साइड का व्यू आप देख ही सकते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए ले चलते हैं आप सभी लोगों को
भोलेनाथ के मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे अभी जो है कि भैया जो है कि दंड प्रणाम के साथ जा गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी लोगों को भोलेनाथ का व्यू। चार गांव का दिन है कि सेवा में कभी आगे लगे रहते हैं हम। और इस साइड में जो है कि बाबा कुछ बोल गए हैं, बैंक में आप पैसा जमा कीजिएगा तो निकालिएगा पैसे, इसलिए बाबा बोले आपको साथ में जितना से जितना दान दीजिए वो प्रभु सेवा करके। और दूसरा सवाल, खाली दर नहीं चलना चाहिए, रुपया जो भी हो बाबा को हिस्सा करना चाहिए, आपके संपत्ति में बाबा भोलेनाथ का संग उसमें हिस्सा। तो अभी चलिए दिखाते हैं आप सब लोगों को मंदिर का अंदर का व्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो है कि भोलेनाथ का शिवलिंग आप देख ही सकते हैं। और अभी जो है कि ज्यादा भीड़ भी नहीं है तो आराम से आप पूजा कर सकते हैं इस टाइम पे। तो अभी जो है कि निकल गए हम यहाँ से। इस साइड में जो है कि प्रशासन सब भी है। तो अभी चलिए आप लोगों को साइड में भी जो है कि देखने को मिलेगा गणेश जी सब। तो अभी चलिए ले चलते हैं आप सभी लोगों को कोसी माता का जो है कि मूर्ति जो है वहाँ पे। यही है जो है कि कोसी माता का जो है कि मंदिर। उस साइड में जो है कि हनुमान जी हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम आ गए माता पार्वती के मंदिर पे। और यहाँ पे देख ही सकते हैं माता पार्वती का जो आप लोग। और फ्रेंड्स हम ये ब्लॉग लंबा होने वाला है तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। अभी हम लोग जो है कि मंदिर से निकलने ही वाले हैं। तो यहाँ पे अब जो है कि भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो इस साइड में हम आ गए तब तक मीना बाजार घूमने के लिए। और यहाँ पे जो है कि मीना बाजार सब भी जो है कि बना रहता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये जो है कि तीसरा सोमवारी था और तीसरा सोमवारी में भी जो है कि यहाँ पे बहुत सारा भीड़ रहता है। तो फाइनली जो है कि मौसम भी जो है कि अभी जो है कि थोड़ा थोड़ा फ्रेश हो चुका है। तो मेरे दोस्त लोग को आने के बाद फिर हम अभी चलिए आप लोगों को अब दिखाते हैं फिर से कोसी का व्यू। तो फ्रेंड्स अभी मौसम भी जो है कि थोड़ा बहुत साफ हो चुका है। तो पानी का बहाव आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ से। और पब्लिक जो है कि बढ़ना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चलिए नीचे चल के दिखाते हैं आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है कि निकल गए और अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले NH 57 पे, क्योंकि भीड़ वहाँ पे जो है कि घाट पे बहुत ज़्यादा था तो इसके कारण। तो अभी चलिए दिखाते हैं आप सभी लोगों को NH 57 का व्यू। तो यहाँ पे जो है कि प्रशासन सबका जो है कि गाड़ी सब लगा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं और भी चीज़ें। तो फ्रेंड्स यही है NH 57। और अभी जो है कि पब्लिक सब जो है कि आ ही रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि आज पूरा दिन जो है कि जल भराएगा यहाँ पे। तो हम भी जा रहे हैं उस साइड में। और अभी हम जाएंगे रेलवे ब्रिज पे।
तो फ्रेंड्स जो है कि अभी हम इस साइड में आ चुके हैं और इस साइड से आप लोग व्यू देख ही सकते हैं पब्लिक का कि जो है कि इस साइड में भी जो है कि पूरा जो है कि जाम रहता है इधर लगा हुआ और पानी का बहाव जो है कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ जो है कि सुरक्षा का भी जो है कि व्यवस्था किया गया है। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं ब्रिज की तरफ। तो अभी हम लोग जो है कि ब्रिज पे आ गए हैं और अभी हम लोग ब्रिज पर से भी आप लोगों को व्यू दिखाते हैं और इस साइड में जो है कि सुरक्षा के लिए जो है कि बोट सब जो है कि दिया है। तो पानी का बहाव जो है कि बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इस साइड में देख ही सकते हैं कि जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि पब्लिक है, यहाँ से देख ही सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा अवश्य। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो है कि ब्रिज पे घूम लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो है कि ट्रेन भी है 7 बजे में, तो इसीलिए हम लोग भी जाएंगे जल्दी में। साइड से व्यू देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है कि पब्लिक सब है और ज़्यादा आगे भी जो है कि प्रशासन सब जो है कि नहीं जाने दे रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग भी जो है कि ब्रिज पर से निकल गए हैं अभी क्योंकि हम लोग का ट्रेन का भी टाइम होने ही वाला है, इसलिए हम लोग भी जो है कि जल्दी जल्दी में जो है कि निकल गए हैं क्योंकि अभी हम लोग को घर पर भी जाना है इसीलिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और भी चीज़ें। और अभी हम जो है कि NH-57 से जाएंगे, तो अभी हम लोग पहले जा रहे हैं NH-57 पे। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और अपने मिथिलांचल में जो है कि शेयर भी कीजिएगा। तो अभी हम लोग जो है कि आ चुके हैं NH-57 पे और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे स्टेशन पे, तो वो बने रहिएगा आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जाएंगे उस साइड, तो अभी इस साइड हम लोग आ चुके हैं और इस साइड में व्यू देख ही सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे जो है कि बहुत सारा पब्लिक सब जो है कि जा ही गए हैं अभी। तो यहाँ पे जो है कि अब जो है कि भीड़ बढ़ जाएगा, वेदर ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर यहाँ का जो है कि पूरा फुल ब्लॉग चाहिए सुबह के बाद से, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं जो है कि 10 बजे तक यहाँ पे रह के वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा इस ब्लॉग को। और फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, तो लंबा वीडियो जो है कि बना देंगे हम। तो अभी एक जो है कि डीजे वाले सब भी आ गए हैं, तो बने रहिए आप लोगों के साथ और देखिए यहाँ का व्यू।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं टोल गेट के पास, और अभी यहाँ से जो है कि दूरी है स्टेशन हम लोगों का। तो हम लोग जो है कि रात में आए थे तो स्टेशन भी जो है कि नहीं देख पाए थे, तो अभी चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं स्टेशन। तो फ्रेंड्स 5 किलोमीटर चलने के बाद अब जैसे लग रहा है कि हम लोगों का जो है कि स्टेशन आने ही वाला है, क्योंकि स्टेशन का जो है कि बोर्ड अभी दिख रहा है यहाँ से। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं स्टेशन और कैसा है यहाँ का जो है कि स्टेशन। हम तो रात में आए थे तो देख नहीं पाए थे, तो अभी चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड जो है कि स्टेशन का है, चलिए दिखाते हैं फिर। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग जो है कि स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और स्टेशन का नाम जो है कि आप लोग देख ही गए होंगे। तो यही रहा जो है कि छोटा सा स्टेशन है होल्ड। और अभी मेरा फ्रेंड्स लोग भी जो है कि आगे आगे जा रहा है, तो अभी चलिए और भी चीज़ें दिखाते हैं आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स अभी जो है कि कुछ ही देरों में जो है कि हम लोगों का ट्रेन भी आने वाला है। तो फिर तो फ्रेंड्स फाइनली जो है कि ट्रेन आने के बाद हम लोग जो है कि अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, और ट्रेन से नेचर का व्यू आप लोग देख ही सकते हैं कि जो है कि सुबह के टाइम में जो है कि धान का खेती जो है कि कितना जो है कि अच्छा लगता है देखने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि अभी हम लोग हैं निर्मली में, और यहाँ पे जो है कि ट्रेन क्रॉसिंग है, इसीलिए यहाँ पे जो है कि ट्रेन जो है कि बहुत देर से जो है कि रुका हुआ है। और देख ही सकते हैं व्यू स्टेशन का कि पब्लिक सब जो है कि बहुत ज़्यादा ही है, और इस साइड में भी बहुत सारा पब्लिक है। तो ट्रेन फाइनली आ चुका है, और अभी हम लोग का भी जो है कि ट्रेन जो है कि चलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ का 7 से 10 के बीच में जो है कि ब्लॉक चाहिए कोसी पुल का, तो कमेंट कीजिए। तो हम जो है कि अगली सोमवार को जाके आप लोगों को वीडियो जो है कि बना के डाल देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी देख ही सकते हैं कि हम लोगों का भी जो है कि ट्रेन भी जो है कि खुल चुका है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम जो है कि यहीं पे एंड करते हैं निर्मली स्टेशन पे, और फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी लोगों को फिर एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स, और मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों से। Yeah.